नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। रामपुर में एक पुलिसकर्मी ने दान पेटी गले में टांगकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के लिए चंदा मांगा। कांस्टेबल फिरोज खान रामपुर के थाना अजीम नगर पर तैनात है। कांस्टेबल फिरोज खान ने बताया कि पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवार के लिए वे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी परमिशन रामपुर पुलिस कप्तान शिव हरि मीणा द्वारा दी गई है। जो पुलवामा में हमारे जो सैनिक जो जवान थे वो जगह में शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के लिए मैं चंदा इकट्ठा करना स्वेच्छा से बैठा हूँ और उसके लिए मैं क्या कहना परमिशन लिया हूँ। साहब ने मुझे परमिशन दिया है 3 दिन की। कटिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले युवक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां आक्रोशित लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट ले जा रहे युवक की कोर्ट में पेशी होनी थी, इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। कोर्ट पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ से बचाया। पुलवामा में आतंकी हमले के विरोध में संयुक्त व्यापार महासंघ व शिवसेना के तत्वाधान में अबू रोड बंद सफल रहा। सीआरपीएफ कैंप में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं बंद के चलते बीते सोमवार को सुबह से ही व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। शिवसेना टैक्सी यूनियन की ओर से शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट बाबूलाल पारेख, आरपीएफ, जीआरपी पुलिस समेत स्वयं सेवी संगठनों, व्यापारी व शिवसेना के पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं बनारस में समाजवादी प्रगतिशील पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाथों में पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारत का हर नौजवान आपके साथ खड़ा है, अगर आपको भारत के नौजवानों के खून की जरूरत पड़े तो भारत का हर एक नौजवान आपके इस अभियान से जुड़ेगा और अपने खून की कीमत भारत माता के सिर पर तिलक देकर करेगा। देखिए, आज के 3 दिन पहले पाकिस्तान का गीदड़ आतंकी अजहर मसूद के गुर्गो ने भारतीय सेना पे पुलवामा पर जो है धोखे से हमला किया और उसमें हमारे 44 जवान शहीद हुए। हम इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उस गीदड़ आतंकी अजहर मसूद को यह कहना चाहते हैं कि भारत एक अपने मर्यादा में रहता है, लेकिन तुम्हारा जो ये अपमान है, तुम्हारी ये जो हिम्मत है, ये अब बर्दाश्त के बाहर है। हम पूरे बनारस में यह पोस्टर इसलिए चिपका रहे हैं कि पूरे बनारस के और पूरे देश के नौजवान अब पाकिस्तान के कराची पर तिरंगा फहराने का ऐलान करते हैं। आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। हर एक भारतीय, हर एक समुदाय आतंक और पाक का विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में मैनपुरी के बेवर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आतंकवाद का पुतला फूंककर हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से बदला लेने की मांग की। साथ ही कहा कि बदला ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान जीवन भर याद करता रहे और भारत द्वारा की गई कार्रवाई को कभी ना भूले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हाईवे पर आतंकी घटना को लेकर अयोध्या के लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस आक्रोश में अब स्कूली बच्चे भी शामिल हो गए हैं। शहर के टिनी टाटा सुबह केटी पब्लिक स्कूल के सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने सड़कों पर उतर कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे शहर के मुख्य मार्ग से जुलूस से निकालते हुए पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हरदोई के दीवानी कोर्ट गेट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला एक अवैध तमंचे के साथ कोर्ट में घुसने का प्रयास कर रही थी। गेट पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने महिला को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि यहां ड्यूटी पर महिला इंस्पेक्टर राम सुखारी मौजूद थी और आने जाने वालों की तलाशी चल रही थी। इसी बीच एक महिला एक युवक के साथ कोर्ट आई। जब महिला सिपाहियों ने उसकी तलाशी ली तो उसके बैग से 315 बोर का एक तमंचा व 2 कारतूस मिले। उसके बाद वहां हड़कंप मच गया। आज न्यायालय परिसर में चेकिंग के दौरान गेट नंबर 5 पे एक महिला के साथ एक पुरुष, जिसने उस महिला का बैग पकड़ रखा था, वो चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। उस बैग से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए 315 बोर उस आदमी के कब्जे से। और पूछताछ से ये पता चला है कि वो महिला उस व्यक्ति के साथ अपनी सुरक्षा
के लिए भयभीत थी, वो उसके साथ आई थी, चूंकि महिला के भागने का एक मुकदमा लिखाया गया था। चोरों से अब भगवान भी महफूज नहीं है। रामनगरी अयोध्या के छोटी देवकाली मंदिर के पिछले हिस्से में विराजमान मां पार्वती की प्रतिमा से चोरों ने करीब 250 ग्राम वजन का चांदी का मुकुट चुरा लिया। इसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई जा रही है। ये घटना रविवार रात तकरीबन 9 बजे की है, जब मंदिर के पुजारी आरती समाप्त कर मंदिर के गर्भगृह में पूजा पाठ कर रहे थे। इसी दौरान मंदिर में बने परिक्रमा पथ पर मंदिर के पिछले हिस्से में विराजित मां पार्वती की प्रतिमा से चोरों ने चांदी का मुकुट चुरा लिया। मंदिर के पुजारी अजय द्विवेदी ने कोतवाली अयोध्या में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकुट चुराने की तहरीर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना इलाके में एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी ने प्रेमिका पर तेजाब फेंक दिया। फिलहाल युवती मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना मुंडेरवा थाना इलाके के जय विजय गांव की है, जहां पीड़िता अपने परिवार के साथ रहती थी। वहीं घटना के बाद प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में गिरफ्तार युवक सलमान निवासी खड्डा जनपद कुशीनगर ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले पीड़िता अपनी मां के साथ दवा इलाज कराने पड़ोसी जिले के खलीलाबाद आई हुई थी। वहीं से दोनों की जान पहचान हुई। युवक का कहना है कि इसके बाद पीड़िता किसी और के करीब आने लगी और उसे नजरअंदाज करने लगी। इसी के चलते युवक ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। एक लड़की ने युवती के ऊपर मुंडेरवा थाना क्षेत्र तेजाब फेंक दिया था, जिससे गंभीर रूप से उसका इलाज कराया जा रहा है। ठीक है, स्थिति उसकी, मुकदमा लिखा गया है और जो जिस अभियुक्त ने उसके ऊपर तेजाब डाला है उसे अरेस्ट किया गया है। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।